हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक नेता ने गृह मंत्री के काफिले के सामने अचानक गाड़ी लगा दी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने कार को तुरंत हटवा दिया। वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता गोसुला श्रीनिवास ने कहा कि मेरी कार अचानक गृह मंत्री के काफिले के सामने रुक गई। मैं बहुत टेंशन में था। जब तक समझ पाता है गृह मंत्री के सुरक्षा बलों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैं पुलिस अधिकारियों से मिलूंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा। दरअसल बीजेपी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह ने तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठावाड़ा के लोगों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की बधाई दी। भारत संघ में क्षेत्र के विलय के लिए राजवाड़ों के अत्याचारों के खिलाफ साहसी लड़ाई लड़ने के लिए उनकी सराहना की। बता दें कि हैदराबाद राज्य निजाम शासन के अधीन था और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद तत्कालीन हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय किया गया था। भारत में इसका विलय कराने के लिए ऑपरेशन पोलो नाम से अभियान चलाया गया जो 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। बता दें कि तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड समारोह की शुरुआत की। अमित शाह ने इसका शुभारंभ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया। बता दें कि हैदराबाद के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परेड ग्राउंड में तिरंगा लहराया था। वहीं अमित शाह ने हैदराबाद की मुक्ति का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य साफ है कि इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसी के साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उन्हें बधाई देता हूं जो उन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया जाएगा। मैं बहुत खुश हूं कि पीएम की घोषणा के बाद लोगों ने तुरंत हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी। बता दें कि अमित शाह ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे जब तक निजामों को मात नहीं दी जाएगी अखंड भारत का सपना तब तक अधूरा रहेगा। साल 1948 में हैदराबाद मुक्त हुआ था, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आभार व्यक्त किया जाता है। सरदार पटेल ने ही निजाम की सेना को परास्त किया और समस्त प्रदेश को आजाद कराया। उन्होंने आगे कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद हैदराबाद की मुक्ति में कई सैकड़ों साल लग जाते। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।